हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ सॉन्ग लाइक प्रोफेशनल इन वेंटास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हो। लेट्स स्टार्ट गाइस। सॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वोकल्स की, तो वोकल्स के लिए मैंने एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट मसेगो का एक गाना है मिस्ट्री लेडी, उसका एकापेला ले रखा है। अगर आप ये ओरिजिनल सॉन्ग सुनना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप ये ओरिजिनल ट्रैक सुन सकते हो। बाकी हम इसे यहाँ पर रीमेक करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सो सॉन्ग बनाने के लिए हमें सबसे पहले वोकल्स ऐड करने होंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं यहाँ से जाके अपने वोकल्स ऐड कर लेता हूँ। बट मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं आपको बताने के लिए बताता हूँ कि यहाँ से हम पहले इंपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन खुल जाएंगे, फाइल्स और माय सैंपल। फाइल में जाके हम अपने सैंपल को ऐड कर सकते हैं, मैंने कर रखा है तो वो मेरा माय सैंपल में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मिस्ट्री लेडी एका, तो ये मेरा आ गया है। तो उसके बाद ये ऐड हो चुका है, तो मैंने कर रखा है, ये सिंपल ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे यहाँ पर सेट करना है। ये एक बहुत ही लंबा एकापेला है, तो ये ऐसे इसके लिए मुझे मेजर ज़्यादा चाहिए, तो मैंने इसका मेजर सेट कर रखा है 64 पे, जो इसका मैक्सिमम है। उसके बाद मैं इसे यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद ये इसे इसकी लेंथ जो है नोट की वो फुल कर लेता हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ये बहुत लंबा है। बार्स छूट गए, तो ये हमारा बैठ गया। वोकल्स ऐड करने के बाद हमारा अब जो आगे का काम है वो है हमारा टेम्पो, तो हमें टेम्पो सेट करना होगा। तो मुझे इस जो ये वोकल था, ये जो सैंपल है, इसका टेम्पो मुझे पता है 76 है। मैंने जो है इसका डबल ले रखा है, तो मैं यहाँ से जाके टेम्पो सेट कर लिया यहाँ पे 152। ओके, ये हमारा टेम्पो सेट हो गया। तो ये जो सॉन्ग था ये पूरा नहीं आ रहा था 64 मेजर पर करके भी, तो मैंने इसके लिए एक अलग से एक और लूप ले लिया। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जो हमारा जो आगे का सॉन्ग बच गया था, वो जो वोकल लिया था, उसके बाद फिर मैंने उसके आगे का जो है उसके लिए एक अलग से लूप बनाया और उसे यहाँ पे सेट कर दिया। ये भी हमारा 64 मेजर पे आ गया पूरा। तो यस, इसके बाद हम इसे भी सेव कर लेंगे यहाँ से। अब हमारे सॉन्ग के लिए वोकल्स रेडी है। उसके बाद हम यहाँ पे अब इस सॉन्ग वाले सेशन में जाके उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ वोकल वन में नाम दे रखा है, तो ये हमारा वोकल वन ऐड हो गया। उसके बाद हमारा जो इसके आगे वाला था वोकल टू, वो भी ऐड हो गया। तो इसे थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले, ये थोड़ा आगे चला गया, इसे गलत हो गया। अब इसे थोड़ा हम सुन लेते हैं कैसा हुआ है, हमारा बैठा है सही। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये जो वोकल सैंपल था ये एक वेव फाइल थी हाई क्वालिटी वाली, जिसमें अभी उतनी ज़्यादा कुछ मिक्सिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ेक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइल है हाई क्वालिटी में। और ये अच्छी तरह से सेट हो गया। अब हमारा जो अब आगे का काम है इसके लिए म्यूज़िक बनाना, तो स्टार्ट करते हैं अब म्यूज़िक बनाना। गाइस, म्यूज़िक बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सॉन्ग है वो किस स्केल पे गाया गया है। तो ये जो सॉन्ग था ये हमारा गाया था, ये सॉन्ग हमारा गाया गया था ई माइनर पे, ये डी शार्प, इसे ई माइनर भी बोलते हैं।
तो उसके बाद मैंने इसके लिए कोड प्रोग्रेशन बनाई, तो मैं आपको वोकल्स के साथ साथ इन्हें सुना देता हूँ। तो ये मैंने कुछ सिंपल सी एक कोड प्रोग्रेशन बनाई, आपको शायद पीछे से सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा एडिट करना था, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना है इसे और ज़्यादा सिंपल भी नहीं। तो इसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके जो ये बीच वाले नोट्स है रिकॉर्ड के, इन्हें शिफ्ट कर दूँगा मैं सेकंड ऑक्टेव के लिए, तो ये डी शार्प को मैं यहाँ पे 5 पे ला दूँगा, ये सारे यही है। उसके बाद ये हमारा है एफ की, इसको भी मैं शिफ्ट कर दूँगा ये 5th ऑक्टेव के लिए, ये भी यही है। उसके बाद इसे थोड़ा अच्छा साउंड करने के लिए यहाँ सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, इसको स्ट्रम कर दूंगा, आपको सुनाई दे रहा होगा ये कुछ स्ट्रमी सा फील साउंड कर रहा है। ओके गुड, और इसे थोड़ा सा ह्यूमनाइज कर देंगे ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक साउंड करे, सिलेक्ट ऑल करना होगा यहाँ से, अब इसे ह्यूमनाइज। ओके ये सही है, सही सुनाई दे रहा है। ओके अब इसे सिंपली सेव कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको कॉपी कर दिया था और फिर उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड किया, यहाँ पर जाके मैंने एक वॉयलिन ऐड कर दिया जो अकेले इस तरह साउंड करता है। ये मैंने ऐसे यहाँ से घोस्ट चैनल ऑन करा, जो हमारा गिटार कॉर्ड्स था उसके ऊपर ये बना दिया, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा अगर हम इसे और हैवी साउंड करवाना है तो ये ऐसे, पर ये इतना काफ़ी था तो मुझे इतना ही ठीक लगा, तो बस इसके बाद इसे भी सेव कर दिया। ओके उसके बाद मैंने फिर से एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड किया, ये थोड़ा दिखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये सिंपल ही है, बस मैंने इसे इतना बनाया, उसके बाद इसे कॉपी कर दिया ऊपर वाले ऑक्टेव के लिए, और ये इसे थोड़ा पियानो रोल है, ये हैवी साउंड करता है, ये ई पियानो है। तो बस ये लास्ट था ये इंस्ट्रूमेंट सेक्शन, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाता है, इसे भी सेव कर दिया। तो सुनते हैं इन सबको ये कैसा साउंड करते हैं, ये हमारा पियानो, ओके ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट सेशन है वो ख़त्म हो गया, बैटरी हो चुकी है ख़त्म, अब हमें बनाना है ड्रम्स।
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डालूंगा जब आप इस वीडियो पे 30 लाइक्स कर दोगे। ज़्यादा नहीं है, कम ही है, कर देना, थोड़े से ही है, इतना तो कर ही दोगे आप, मुझे पता है। गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी इसलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया। और जो न्यू व्यूअर है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके लिए मैं इसी तरह की और वीडियोस बना सकूं। और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, एम पूरा कर दीजिए, उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 डाल दूंगा। थैंक यू।